लॉकडाउन के दौरान परेशान लोगों को और परेशान कर रहे हैं कुछ लोग, आज हम यही दिखाएंगे। नमस्कार, मैं जीशान जावेद आपके साथ, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। परेशान श्रमिकों को कुछ बस वाले मनमाना पैसा लेकर निकल पड़े उनके घर तक पहुंचाने। सूरत से रीवा तक का सफर कर डाला उन्होंने, किसी ने न रोका। नजर पड़ी तो रीवा आरटीओ की, उन्होंने बस को पुलिस कंट्रोल रूम में खड़ा करा दिया। लॉकडाउन के दौर में जहां हर व्यक्ति अपनी परेशानियों से घिरा हुआ है, कामकाज ठप है, हर व्यक्ति अपने घर पहुंचना चाहता है, ऐसे दौर में भी कुछ लोग हैं जो मानवता को तार तार करके केवल और केवल पैसा कमाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक नजारा रीवा में देखने में नजर आया, जब गुजरात के सूरत से चले कुछ लोगों ने स्पेशल बस की। बस वाले को पैसे दिए, वह उन्हें लेकर चल दिया रीवा के लिए। वह रीवा तक आ भी गया, लेकिन बस वाले की किस्मत खराब थी, उसे उसके किए का फल मिलना था। जब वह यात्रियों से पैसे वसूल रहा था, तभी वहां पर पहुंच गए आरटीओ रीवा मनीष त्रिपाठी। बस फिर क्या था, पूछताछ शुरू हुई, यात्रियों को घर तक पहुंचाया गया और बस को लाकर खड़ा कर दिया गया रीवा के कंट्रोल रूम में। इस बारे में हमने आरटीओ रीवा मनीष त्रिपाठी से बात की। देखिए, हमें सूचना मिली दूरभाष में एक प्रवासी के द्वारा कि हमसे जो है क्या कहते हैं बस वाला कि 2,500 से 3,000 तक किराया वसूला है, और ये गुजरात की बसें थी, ये बसें जो है बाईपास के पास उनको उतार के जाने का प्रयास में थी। जैसे मुझे सूचना मिली तो मैं टीम के साथ वहाँ पर पहुँचा और उन बसों को मैंने तत्काल जब्त किया, और जब्त करके जो है उनको भी सिविल लाइन थाने पे मैंने सुपुर्दगी में खड़ा किया है। किस तरीके का जुर्माना किया गया? नहीं, अभी तो हमने सिर्फ जब्ती कर दी है, अभी इसका निराकरण जो है 2-3 दिन बाद ही कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम व्यस्त हैं जो है ये जो सवारी आ रही है उसके बाद। अभी तो हमने जब्त किया है, क्योंकि वो गाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश का बिना टैक्स दिए चल रही हैं, और जबकि ये सवारियों से पैसे ले रही हैं श्रमिकों से। कायदे से शासन का ये है कि श्रमिकों से पैसे नहीं लेने हैं, और श्रमिकों को ऐसे बसों से आना, उनके पास ऐसी बसें उपलब्ध है जहाँ पर पैसे नहीं लगते। लेकिन ये बस में जो है श्रमिकों से पैसे लेकर इस तरीके से बस लाना, ये गैरकानूनी है, ये अपराध है। कोरोना को हराना है, अभी तक हमने ये करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाएंगे। घर पर रहिए, सरकार के दिए दिशा निर्देशों का पालन करिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।